मौसम विभाग केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शून्य से नीचे चल रहे तापमान के चलते अधिकतर क्षेत्रों में शीतलहर जारी है तथा प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 19 दिसंबर से फिर कुछ एक स्थानों पर बर्फबारी की उम्मीद है जो कि 21 दिसंबर तक जताई जा रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चंबा, भरमौर, कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, लाहौल स्पीति तथा कुल्लू के ऊपरी क्षेत्र शून्य से नीचे तापमान पर पहुंच चुके हैं तथा आज और कल धूप खिलने की भी उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि सेब बागवानों के लिए ये बर्फबारी एक अच्छा संकेत है क्योंकि सेब की फसल के लिए चिलिंग घंटे जितने अधिक होंगे उतनी अच्छी फसल का पैदावार होगी। हिमाचल हाँ अभी जो WD थी उसका तो फैक्ट खत्म हो गया जिससे 12 और 13 तारीख को जो काफ़ी स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में जो स्नोफॉल है वो सिर्फ शिमला सिटी में ही रिकॉर्ड किया गया था। ये लोकल डेवलपमेंट की वजह से जो अपने 4 से 6 सेंटीमीटर तक जो है वो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। और अभी जो मौसम है वो साफ रहेगा, आज और कल मौसम जो है लगभग बिल्कुल क्लियर रहने की उम्मीद है, लेकिन जैसे कि पिछले दिनों में बहुत बारिश हुई, स्नोफॉल भी हुआ, तो कहीं मतलब जैसे धूप तेज निकलेगी तो लोकल डेवलपमेंट हो सकती है जिससे जो है कुछ एक जगह स्लीट वगैरह भी गिर सकती है जैसे कि शिमला वगैरह सिटी में कल गिरी थी। तो अब उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी 18 नाइट से WD आ सकती है जिससे मौसम जो है 19 तारीख से दोबारा से खराब हो सकता है। लेकिन 19 तारीख को सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके होंगे वहीं पर ही बारिश या स्नोफॉल होगी। उसके बाद 20 तारीख को जो है WD का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है जिससे जो है अभी तक हम लोग स्कैटर्ड प्लेसेस पे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट टू मॉडरेट बारिश या स्नोफॉल जो है 20-21 को हो सकती है। अभी तक इसके लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई। जो अभी जैसे जो पिछले 2 दिन में जो 12 और 13 को जो स्नोफॉल हुई है वाइड स्प्रेड एरिया पे उसकी वजह से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट रही है। जो शून्य से टेम्परेचर चल रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ऊपरी इलाका है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला के बहुत सारे इलाके हैं, कुफरी से लेकर जो ऊपरी के इलाके हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर शून्य से नीचे चल रहा है। शिमला का जो तापमान है वो भी 0.8 डिग्री जो आज रहा जो पिछले दिनों जो के वो भी 0 से नीचे चल रहा था। और जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है उसमें लगभग सभी इलाकों में जो टेम्परेचर न्यूनतम तापमान है वो शून्य से नीचे है। इसी तरह जो लाहौल स्पीति का इलाका है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो शून्य से नीचे चल रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के इलाके, डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपर के इलाके और जो कांगड़ा की धौलाधार रेंज है ऊपर के इलाकों में टेम्परेचर जो है वो शून्य से नीचे चल रहे हैं। तो सबसे जो कम तापमान है वो किलोंग का रहा -14 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया। अभी ये कह सकते हैं जो हिमाचल के ऊपरी इलाके हैं जिसमें टेम्परेचर जो शून्य से नीचे चल रहे हैं तो एक तरह शीतलहर की ग्रिप में है। और साथ में ही जो ये हिमाचल प्रदेश के जो लो हिल्स वाले एरिया हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऊना है, बिलासपुर के कुछ इलाके या हमीरपुर के कुछ इलाके हैं और साथ में ही जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जो इलाके हैं जो कि हरियाणा के साथ लगते हैं उसमें डेंस फॉग भी जो है वो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।